गेंद फ्लाई किट गेंद थी, उल्टा बल्ला चला, रिवर्स खेला है उसको, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, डाइव करते हुए फील्डर से नहीं रुकी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। काफी समय बाद चौका आया, बाउंड्री लाइन के करीब जाके डाइव लगाते हुए फील्डर से गेंद रुकी नहीं, प्रयास पूरा किया था। न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी फील्डिंग टीम है, उनका हौसला हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। और हालांकि कॉलिन मनरो देर तक दौड़ते चले गए, बहुत लंबा रास्ता तय करना था, दिल्ली गए के छोर पर जो साइड स्क्रीन है उसकी दाईं तरफ के पास से सीमा रेखा के बाहर हो गई। सोदी की अगली गेंद फ्लाई किट गेंद, हाफ वॉली थी, ड्राइव किया है, उस ओर फील्डर मौजूद है, स्वीपर कवर, एक रन मिलेगा और उससे ही संतोष करना पड़ेगा। तो दोनों ही बैट्समैन अब धीरे धीरे निश्चित रूप से जीत की दहलीज पर पहुंच ही गया है, इंग्लैंड अब जीत की ओर ले जा रहे हैं। इंग्लैंड ने जो एक लक्ष्य का सामना उन्होंने जो किया उसमें शुरुआत में योजनाबद्ध तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करके न्यूजीलैंड को इस मैच से बाहर कर दिया। ईस्ट सोदी लेग स्पिन बॉलिंग, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैक फुट पे गए और उसको स्विंग कर दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, चार रन। ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। और उस चौके के साथ ही एक बार फिर अनगिनत जुगनू टिमटिमाने से लगे हैं, पूरा स्टेडियम जगमगा उठा है मोबाइल की लाइटों से। Looks like there are 1,000 fireflies in the stadium. This is an unusual sight, something we have seen for the first time in this tournament. दर्शकों की युक्ति का क्या कहना है, क्या दिमाग लगाया है इस बीच। ये गेंद ऊपर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, लॉफ्टेड शॉट, दर्शक दीर्घाओं में छक्का। ये BSNL सिक्सर, कनेक्टिंग इंडिया। विनीत बटलर इज इन अ हरी टू फिनिश दिस, ही प्लेड अ cameo in the last game against Sri Lanka which took the game away from Sri Lanka, and here he seems to be in a hurry to finish this one. रॉकेट हवा में उड़ते हुए, आवाज के साथ, रोशनी के साथ, T20 का आनंद उठाते हुए कोटला के ये दर्शक का, जबकि बार बार कमेंट्री बॉक्स के नीचे जो साइड स्क्रीन है उसमें हलचल, बैट्समैन का ध्यान बढ़ता है, खेल रोकना पड़ता है और अंपायर धर्म से ना कुपित से हो जाते हैं। अगली गेंद और उसको फिर उठाकर खेला है, लगातार दूसरी गेंद पर दो छक्के, लगातार दो गेंद। ये BSNL सिक्सर, कनेक्टिंग इंडिया। Sodhi brought back to reality. This is what a leg spinner, or happens to a leg spinner in a T20. He's had such a good tournament so far. He's bowled so well, but this last over certainly has tarred his reputation. इंग्लैंड ने योजनाबद्ध क्रिकेट खेला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड इतनी कमजोर टीम नहीं है कि इस तरह से हारे, ये उम्मीद नहीं थी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, क्रीज छोड़ के बाहर निकल आए थे, स्टंप्स पे सीधा थ्रो किया ईस्ट सोदी ने, स्टंप्स पे लगी है, क्या तीसरे अंपायर से पूछेंगे, या स्क्वायर लेग अंपायर रॉड टकर पहले से ही मुतमईन है, संतुष्ट है कि इसमें आउट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। रन के लिए बाहर निकल आए थे और तो ईस्ट सोदी ने तुरंत विकेट कीपर की तरफ भेजा उस थ्रो को, लेकिन थ्रो सीधा जाके स्टंप्स पे लग गया, बत्तियां झिलमिलाई उसमें, जिंग उसमें,